हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट एमएनएस, टारगेटिंग एमएनएस 2022। सो दिस इज़ डेज एंड थीम्स 2021 लिस्ट। इसमें मैंने हाफ ईयर तक, यानी कि आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, इस मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं एंड उसके थीम सारे प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी जो हाफ ईयर बचता है उसके लिए पार्ट टू लेके आएंगे, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 60+ डेज हो गए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो डे है दैट इज़ वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, कब मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे? सेलिब्रेट करते हैं 4 फरवरी को। एंड इसका थीम इस साल का, यानी कि लास्ट ईयर 2021 का था, आई एम एंड आई विल। World Cancer Day is celebrated on 4th February and the theme for 2021 was I am and I will. Next, World Wildlife Day. World Wildlife Day 3rd March को celebrate करते हैं and इसका theme था Forest and Livelihoods, Sustaining People and Planet. ये दोनों ही आपके exam point of view से important हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3rd March, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। नेक्स्ट, वर्ल्ड पल्सेस डे, दाल पल्सेस डे 10th February को सेलिब्रेट करते हैं एंड द थीम वॉज लव पल्सेस फॉर हेल्दी डाइट एंड प्लानट। लव पल्सेस फॉर हेल्दी डाइट एंड प्लानट वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड पल्सेस डे एंड सेलिब्रेटेड ऑन 10th February। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेंस डे इम्पॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8th March एंड द थीम वॉज वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग ऑन इक्वल फ्यूचर इन COVID-19। इम्पॉर्टेंट है, COVID-19 रिलेटेड है तो थीम इम्पॉर्टेंट है, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग ऑन इक्वल फ्यूचर गोल्स इन COVID-19। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8th March। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd February एंड द थीम वॉज अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन अ डिजिटल इकोनॉमी। अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी वॉज द थीम फॉर वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ये इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15th March एंड द थीम वॉज टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन वॉज द थीम फॉर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेशनल सेफ्टी डे। जो छोटे जो थीम्स होते हैं ना वो मेनली पूछे जाते हैं, इतने बड़े बड़े जो दो दो तीन तीन लाइन के थीम्स होते हैं वो उतने एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये है नेशनल सेफ्टी डे, 4th March को सेलिब्रेट करते हैं, थीम हो जाएगा आपका रोड सेफ्टी। ठीक है, 4th March एंड द थीम रोड सेफ्टी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21st February को सेलिब्रेट करते हैं, थीम आने की कम चांसेस हैं, द थीम है इसका फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21st February। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इम्पॉर्टेंट है, ये एमएनएस में से प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है, 24th March को सेलिब्रेट करते हैं एंड द थीम इज़ द क्लॉक इज़ टिकिंग। द क्लॉक इज़ टिकिंग, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे इम्पॉर्टेंट है 22nd March, 22nd March, 22nd April और 22nd May। ठीक है, ये दोनों जो है ना, बहुत तीनों जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्च में वर्ल्ड वाटर डे होता है, 22nd April को अर्थ डे होता है एंड 22nd May को बायोडाइवर्सिटी डे होता है, तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाटर डे का थीम था वैल्यूइंग वाटर, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26th January को सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रहेगा क्योंकि 26th January वी सेलिब्रेट आर रिपब्लिक डे, सो उसी दिन होता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे एंड द थीम वॉज कस्टम बॉल्स्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रिजाइलेंस। नेक्स्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये भी आस्क्ड क्वेश्चन है, 23rd March को सेलिब्रेट करते हैं एंड द थीम वॉज द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। थीम भी पूछी जा सकती है, द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर।
नेक्स्ट नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे की थीम इम्पॉर्टेंट है, 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं एंड इसका थीम था देखो अपना देश। ये 2021 की थीम्स हैं, देखो अपना देश। नेक्स्ट नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे भी 25 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। दो चीज़ें हो गई, नेशनल टूरिज्म डे एंड नेशनल वोटर्स डे, दोनों 25 जनवरी को। एंड वोटर्स डे का थीम था मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ओके नेक्स्ट वर्ल्ड हियरिंग डे, वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं एंड द थीम वॉज हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहैबिलिटेट कम्युनिकेट। हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहैबिलिटेट एंड कम्युनिकेट वॉज द थीम फॉर वर्ल्ड हियरिंग डे। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स पूछा जा सकता है, 14 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड वॉज द थीम, मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट वर्ल्ड ब्रेल डे, आस्क्ड क्वेश्चन है, 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? 4 जनवरी को। वर्ल्ड किडनी डे, वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट करते हैं 11 मार्च को। इसकी जो थीम थी दैट इज़ लिविंग वेल विथ किडनी डिजीजेज, लिविंग वेल विथ किडनी डिजीजेज वॉज द थीम फॉर वर्ल्ड किडनी डे। नेक्स्ट एनआरआई डे, एनआरआई डे इस दिन गांधी जी जो है इंडिया आए थे, ठीक है, तो इसलिए इसे एज एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं। इसको हिंदी में भारतीय प्रवासी दिवस भी कहते हैं एंड 9 जनवरी को इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी डे ये सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को, वर्ल्ड हिंदी डे। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल थीम दैट इज़ हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूथ डे। मार्टिन्स डे, मार्टिन्स डे जो है 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करने, एक पर्टिकुलरली मैं प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट जहाँ पे भी जिस भी टॉपिक पर डिस्कस कर रही हूँ अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं उस टॉपिक रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर है मैं सब कवर कर रही हूँ, तो वहाँ पे आपको पता चलते जा रहा है आपका टॉपिक भी कवर हो रहा है एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी कवर हो रहे हैं। अलग से मैं सेपरेटली प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब जो है एमएनएस का जो लेवल है वो और 2 सालों में अलग लेवल पर चला गया है, ठीक है, तो उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रीवियस ईयर। हाँ, क्या है, एक आइडिया के लिए अगर आप बोलोगे तो मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। वर्ल्ड थिएटर डे, वर्ल्ड थिएटर डे जो है ये 27 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं एंड इसका जो थीम था दैट इज़ थिएटर सिनेमा एंड कल्चर ऑफ पीस। इम्पॉर्टेंट, थिएटर सिनेमा एंड कल्चर ऑफ पीस वॉज द थीम फॉर 2021 वर्ल्ड थिएटर डे। वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 फरवरी एंड द थीम फॉर 2021 वॉज न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। नेक्स्ट वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी थीम है, 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं एंड द थीम इज़ वी डिसाइड, हमने डिसाइड किया। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च, इसमें ट्राइसोमी हो जाती है 21st सिंड्रोम की, ठीक है, ट्राइसोमी हो जाती है, तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, वी डिसाइड वॉज द थीम। नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आपको पता है अभी जो है वैक्सीनेशन चल रहा है, ठीक है, इसकी जो थीम थी दैट इज़ वैक्सीनेशन ब्रिंग्स अस क्लोजर, 16 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं एंड द थीम वॉज वैक्सीनेशन ब्रिंग्स अस क्लोजर। इंडियन आर्मी डे इम्पॉर्टेंट है, 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, नेवी डे 4 दिसंबर और आपका एयरफोर्स डे हो जाएगा 8 अक्टूबर, ठीक है, तो तीनों इम्पॉर्टेंट है, तीनों आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी, तीनों के जो अभी करंट हेड है वो भी इम्पॉर्टेंट है एंड तीनों के जो यू नो वी कैन से टैगलाइन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट होता है 1 मार्च को एंड इसका जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एंड इन इक्वालिटीज़, भेदभाव को ख़त्म करना, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च।
नेक्स्ट नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट होता है 28 फरवरी को एंड द थीम वॉज फ्यूचर ऑफ एसटीआई इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क. नेशनल साइंस डे 28 फरवरी. इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसका ये इंपॉर्टेंट थीम था. 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट एंड द थीम वॉज फॉरेस्ट रीस्टोरेशन अ पार्ट टू रिकवरी एंड वेल बींग. अ पार्ट टू रिकवरी एंड वेल बींग, ठीक है. वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, कल ही हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को. इसका 2021 का ध्यान रखेंगे, रिपीटिंग 1000 times, 2021 का थीम वेटलैंड एंड वाटर. क्या है? वेटलैंड एंड वाटर. वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है टू यू नो अवेयर पीपल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स. नेक्स्ट वर्ल्ड सिविल डे, सिविल डिफेंस डे. वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं. दो चीज़ें 1 मार्च को देखी, एक तो हमने जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च जिसका थीम है एंड इनइक्वालिटीज़, और दूसरा देखा हमने वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च, इसकी थीम थी स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी. स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी. देन है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये 24 मार्च को सेलिब्रेट होता है. अच्छा, इसमें जो मैंने जनवरी फरवरी इन सब की थीम्स 2021 की प्रोवाइड की है, आगे चल के मैं 2022 की भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है. तो जब एग्ज़ाम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका अप्रैल और मई में एग्ज़ाम होता है तो 2022 की भी थीम्स आ सकती हैं, जनवरी फरवरी मार्च की, और 2021 की भी आ सकती है. तो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन में कि 2022 पूछ रहा है कि 2021, ओके. लेकिन बाकी जो भी डेज पूछे जाएंगे वो सारे आपके 2021 के ही थीम्स के पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं ना वो मंथ, तो उस टाइम का थीम कैसे पहले से पता लगा सकते हैं, राइट. आगे चलते हैं. इंटरनेशनल एजुकेशन डे, इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं एंड थीम इम्पॉर्टेंट है बिकॉज रिलेटेड टू COVID-19, दैट इज़ रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर COVID-19 जनरेशन. COVID-19 के जनरेशन को के लिए एजुकेशन को रिकवर करना है एंड रिवाइटलाइज करना है. वर्ल्ड थिंकिंग डे, इसका वन वर्ड का थीम है 22 फरवरी को, क्योंकि थीम बहुत छोटा है, पूछ लिया जा सकता है, भले आपसे डेट ना पूछे बट थीम इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज पीस बिल्डिंग. वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी, पीस बिल्डिंग वॉज द थीम. नेक्स्ट सेंट्रल एक्साइज डे, सेंट्रल एक्साइज डे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, 24 फरवरी को होता है, बट फिर भी छोड़ना नहीं है कुछ भी, ओके. नेक्स्ट नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, 12 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं. ग्लोबल रिसाइकलिंग डे एंड नेशनल मैरिटाइम डे इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर, ओके. मैरिटाइम डे जो है प्रीवियस ईयर MCQ है. मैरिटाइम डे 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैरिटाइम डे, और ग्लोबल रिसाइकलिंग डे आपका 18 मार्च को हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल एंड बिल्डिंग ऑफ अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर everyone was the theme. थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ऑफ अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर everyone. ये तो 1000 times चांसेस है आने के. नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे. नेक्स्ट है वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल. नेशनल पंचायती राज डे इम्पॉर्टेंट होता है 24 अप्रैल को, ये भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. 24 अप्रैल को ये भी सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पंचायती राज डे. वर्ल्ड आर्ट डे, आर्ट क्राफ्ट, वर्ल्ड आर्ट डे ये सेलिब्रेट होता है 15 अप्रैल को. कब? 15 अप्रैल को. वर्ल्ड मलेरिया डे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ 25 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है. रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट, रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट, ओके. नेक्स्ट है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, इंटरनेशनल डांस डे. वर्ल्ड हेमोफीलिया डे जो है आपके डेट के पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है और थीम के भी, ठीक है. डेट हो जाएगा 17 अप्रैल, थीम है अडैप्टिंग टू चेंज, अडैप्टिंग टू चेंज, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे. इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल, डेट से भले ही इम्पॉर्टेंट ना हो बट थीम इज़ इम्पॉर्टेंट, पर्पस ऑफ डांस, इंटरनेशनल डांस डे. नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है,
फ्रॉम योर डेट एंड थीम बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज. ओके 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं कॉम्प्लेक्स पास्ट. ये पास नहीं होगा गाइस, पास्ट होगा PASTS, कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर्स. ठीक है, कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर्स. नेक्स्ट इंटरनेशनल लेबर डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फर्स्ट में बहुत बार पूछा गया है. वर्ल्ड अस्थमा डे 4 मई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये रिपीटेड है 2-3 बार, इसे देख लेंगे. 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं, 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड. नेशनल डेंगू डे, नेशनल डेंगू डे 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डेंगू डे. वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये आपके थीम से बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं. डेट बहुत बार पूछी जा चुकी है ऑलरेडी. ठीक है, तो नया कुछ देने के लिए आपसे थीम पूछ लेंगे. थीम इज कमिट टू क्विट, कमिट टू क्विट. 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे. नेक्स्ट नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. री इमेजिन, री क्रिएट, री स्टोर, थीम था री इमेजिन, री क्रिएट, री स्टोर. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून. वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का जो थीम है दैट विल बी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अनस्टॉपेबल. ठीक है, एंड ये 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे. हमने देखा 8 मई, अनस्टॉपेबल वॉज द थीम. थीम इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि शॉर्ट है, 1 वर्ड है. नेक्स्ट वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को सेलिब्रेट करते हैं एंड द थीम इज़ ब्यूटिफुल, दैट इज सेव फूड टुडे फॉर अ हेल्दियर टुमारो, फॉर अ हेल्दी टुमारो. सेव फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो वॉज द थीम फॉर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई. वर्ल्ड ब्लड डोनर डे नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट बट 14 जून को सेलिब्रेट करते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है. ओके वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 12 जून को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर इम्पॉर्टेंट है थीम पॉइंट ऑफ व्यू से. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून, रिपीटेड है ये क्वेश्चन आपके एमएनएस में. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून. नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं, ये भी पूछा है प्रीवियस ईयर में. इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 23 जून, इसको याद करने का तरीका आपको पता है, ओलंपिक्स का जो साइन होता है वो कुछ ऐसा होता है, राइट. तो ये है 2, नीचे जो सर्कल्स है वो कितने हैं 2, ऊपर कितने हैं 3, तो 23 हो गया यहाँ से. एंड जून, ये जो सर्कल्स है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जून, ठीक है, 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे. सो ये सारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमने डेज कवर किए हैं पूरे अपने हाफ ईयरली 2021 के लिए. ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका आ जाएगा जिसमें आपके आगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक के इसमें डेज कवर हो जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS 2022. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो. थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग.